हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और हम बना रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने इसके मोबाइल एसेसरीज़ के लिए लिंक क्रिएट किया था और एक पेज क्रिएट किया था। हमने फंक्शन बनाया था मोबाइल एसेसरीज अपलोड, पेज क्रिएट कर लिया था, डिज़ाइन करना बाकी था। इस वीडियो में हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो शॉप के नाम से मैंने फोल्डर बना रखा है, इसके अंदर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर व्यूज़, व्यूज़ में सेलर, सेलर के अंदर लिस्टिंग, लिस्टिंग में मोबाइल एसेसरीज़। ये हमने लास्ट वीडियो में पेज बनाया था, क्रिएट किया था ओनली। इसमें इस वीडियो से हम इसकी डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो कस्टम सीएसएस में हम इसकी बॉडी का कलर चेंज करते हैं, स्टाइल बॉडी का बैकग्राउंड कलर होगा कौन सा कलर दें इसको, इसको दे देते हैं हम मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। हमने बॉडी का कलर ये दे दिया है S127BA69, तो इसका कलर ऐसा हो गया। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक कंट्रोलर, वो कंट्रोलर क्या कंटेनर, इसमें लिखते हैं हेडिंग सेक्शन स्टार्ट DIV क्लास कंटेनर। कंटेनर के अंदर हम बनाएंगे H5 के अंदर मोबाइल एसेसरीज अपलोड। अपलोड लिस्टिंग लिख देते हैं, अपलोड लिस्टिंग मोबाइल एसेसरीज की लिस्टिंग अपलोड कर रहे हैं। अपलोड लिस्टिंग कंट्रोल आर। ठीक है, ये आ गया। और इस कंटेनर का जो कलर है वाइट होगा इसका बैकग्राउंड और बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस होगी 2%। कंट्रोल आर। पैडिंग देते हैं इसको, स्टाइल पैडिंग टॉप बॉटम हो ये 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 15 पिक्सल। ठीक है, और इसका कलर जो इसका बैकग्राउंड कलर दिया है वो इसका कलर होगा, कलर होगा इसका, हमने इसको कलर दिया है 127BB। कंट्रोल आर। इसमें तो अच्छा नहीं लग रहा कलर, कलर इसका कर देते हैं ग्रे। ठीक है, मोबाइल एसेसरीज अपलोड लिस्टिंग। इसके बाद अब एक सेक्शन बनाते हैं, हेडिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया। हेडिंग सेक्शन के बाद हम आते हैं, पहले तो हम जो हमारी फाइल है कॉमर्स प्रोजेक्ट मोबाइल एसेसरीज की वर्ड फाइल है, हमारे पास 5 आइटम है जो मोबाइल एसेसरीज़ के अंदर अपलोड होंगे, हेडफोन, पावर बैंक, स्क्रीन कार्ड, मेमोरी कार्ड और चार्जर। इन
जो ये पांचों है इनके अंदर सबसे पहले तो जो जो इन पांचों के अंदर कॉमन है वो वाले सेक्शन आएंगे। जैसे मैं एक वो बनाता हूँ कॉमन वाला, कॉमन के लिए सबसे पहले आएगा सभी का टाइटल। टाइटल के बाद हम देंगे ब्रांड, ब्रांड के बाद देंगे मॉडल नंबर, और मॉडल नंबर के बाद होगा कलर। मॉडल नंबर तक तो सभी का सेम रहेगा सेक्शन, और मॉडल नंबर के बाद और क्या चीज़ हो सकती है? ठीक है, ये तीनों चीज़ टाइटल, ब्रांड और मॉडल नंबर, मॉडल नेम, ये तीनों, ये जो पांचों हमारे एसेसरीज का जो प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 5, पांच आइटम है इनकी, ये तीनों चीज़ सेम रहेगी। तो सबसे पहले लिखते हैं टाइटल, ब्रांड, मॉडल सेक्शन। टाइटल सेक्शन लिख देते हैं इसको, टाइटल सेक्शन स्टार्ट, टाइटल सेक्शन एंड, डीआईवी क्लास कंटेनर, और कंटेनर के अंदर वही होगा, ये 2% रेडियस लगेगी। कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल पेस्ट, बैकग्राउंड होगा वाइट, और इसके अंदर एक और चीज़ पैडिंग, पैडिंग होगी इसके अंदर 10 पिक्सल पैडिंग। और इसके अंदर सबसे पहले हम बनाते हैं DIV क्लास इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड के अंदर सबसे पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम है टाइटल, आईडी है टाइटल, ठीक है, और प्लेस होल्डर है एंटर टाइटल। प्रोडक्ट टाइटल, कंट्रोल आर करते हैं एक बार, कंट्रोल आर, प्लेस होल्डर आ गया इसके अंदर एंटर प्रोडक्ट टाइटल। ये वाला तो जो सेक्शन है वो तो हो गया टाइटल के लिए। इसकी पैडिंग जो 10 है इसको बढ़ा देते, थोड़ा सा 15 कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस है इसको तो मैं रिमूव भी कर देता हूँ यहाँ से। कंट्रोल आर, ठीक है, टाइटल आ गया। टाइटल के बाद हमारे पास क्या चीज़ है? ब्रांड है, और उसके बाद में मॉडल नेम है। इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हमें वो वाला तो बनाना नहीं है, यूआई तो बनाना नहीं है, सिंपल बनाना है। इसको S6 के अंदर लिखते हैं, S6, S6 के अंदर प्रोडक्ट टाइटल, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास ब्रांड टेबल। टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करते हैं। इसके अंदर एक टेबल, टेबल के अंदर TR क्लोज, TD स्टार्ट, TD क्लोज, और इसके अंदर H6 में लिखते हैं ब्रांड।
और ब्रांड के अंदर आएगा ब्रांड सभी की सेम नहीं होगी, ब्रांड सभी की अलग-अलग होगी। तो ब्रांड वाले सेक्शन को हटा देते हैं, इसमें लिख देते हैं मॉडल नेम। मॉडल नेम सभी का सेम होगा, सेम मतलब कि जैसे जिसका भी मॉडल नंबर होगा उसका सिर्फ सिंगल ही कैरेक्टर डालने पड़ेंगे, ऐसा कोई सेलेक्ट करने का काम नहीं होगा, सेलेक्ट बॉक्स नहीं होगा। इनपुट फील्ड के अंदर डालेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इसको लिख लेते हैं मॉडल नेम, आईडी है इसकी मॉडल नेम, कंट्रोल आर। और जो मॉडल नेम का हमने बनाया है इसको हमें टेबल के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल आर। ठीक है, मोबाइल टाइटल आ गया और मोबाइल मॉडल नेम आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम एक कैटेगरी बनाते हैं, अगला सेक्शन बनाते हैं, टाइटल सेक्शन हो गया, इसके बाद आएगा कैटेगरी। एसेसरीज कैटेगरी सेक्शन स्टार्ट। जैसे मान लीजिए मोबाइल एसेसरीज़ के अंदर मेरे पास सबसे पहले है पावर बैंक, तो पावर बैंक के लिए उसकी जो डिटेल होगी वो वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। एक बार मैं कमेंट लिख लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्या करना चाहते हैं हम यहाँ पे। हम यहाँ पे जैसे आते हैं, हम यहाँ पे एक सेलेक्ट बॉक्स बनाएंगे जिसका नाम होगा एसेसरीज टाइप। जैसे कि एसेसरीज हमारे पास कितनी टाइप की है, हेडफोन, पावर बैंक, स्क्रीन गार्ड, मेमोरी कार्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ हेडफोन, तो हेडफोन के बारे में फिर वो डिटेल मांगने लग जाएगा कि हेडफोन मैंने सेलेक्ट किया, तो हेडफोन के जो रिक्वायर फील्ड होंगे वो ओपन हो जाएंगे। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ पावर बैंक, तो पावर बैंक के लिए ओपन हो जाएगा। सेकेंड सेक्शन है वो सेलेक्ट करने के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा एसेसरीज हमने सेलेक्ट किया है, तो उसके बारे में फिर वो डिटेल पूछेगा हमारे से। ये वाला बनाते हैं, एसेसरीज वाला है, इसको लिखते हैं DIV क्लास कंटेनर। सब सब कुछ हम कंटेनर के अंदर ही बनाएंगे। बैकग्राउंड इसका वाइट होगा, स्टाइल लगा देते हैं, पैडिंग होगी इसकी 15 पिक्सल। पैडिंग के बाद इसमें हम बनाते हैं S6 के अंदर एसेसरीज टाइप, मतलब कि कौन सा टाइप का प्रोडक्ट आप अपलोड करना चाहते हो मोबाइल एसेसरीज के अंदर। तो ये होगा सेलेक्ट बॉक्स, सेलेक्ट बॉक्स के अंदर ऑप्शन होंगे सेलेक्ट एसेसरीज टाइप। फर्स्ट होगा हमारे पास, फर्स्ट कौन सा है, हेडफोन है। हेडफोन उसके बाद है 2, 3, 4 और 5, पावर बैंक, पावर बैंक के बाद में कौन सा है, स्क्रीन गार्ड, स्क्रीन गार्ड के बाद में है मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड और मेमोरी कार्ड के बाद में है चार्जर। और इसको कर देते हैं कंट्रोल आर। ठीक है, एसेसरीज टाइप लिखा हुआ आगे, लेकिन जो सेलेक्ट बॉक्स बनाया था वो नहीं आया, नहीं आया क्योंकि वो इसलिए नहीं आया कि जो मेटेरियल मेटलाइज CSS है उसमें जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट बॉक्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं ना, वो डिस्प्ले नॉन किए हुए होते हैं। तो सबसे पहले इनको शो करवाएंगे, डिस्प्ले ब्लॉक करते ही शो होने लग जाएंगे, कंट्रोल आर। ठीक है, ये हमारा सेलेक्ट बॉक्स आ गया है।
हाँ, मैं ऐसे बोल रहा था कि ये एसेसरीज टाइप हमने इसलिए बनाया है, जैसे मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ हेडफोन, तो इसके बाद जो सेक्शन ओपन होगा वो हेडफोन का ही होगा, जैसे कि इन सेक्शन की डिटेल फिर वो नहीं पूछेगा। हेडफोन सेलेक्ट करते ही हेडफोन के सेक्शन के बारे में पूछेगा, पावर बैंक सेलेक्ट किया तो पावर बैंक के सेक्शन के बारे में पूछेगा, जो सेक्शन में यहाँ से सेलेक्ट करूँगा उसी सेक्शन की डिटेल वो हमारे से नीचे पूछेगा। इसके बाद एसेसरीज टाइप हो गया, एसेसरीज टाइप के बाद में हमारे पास क्या आता है, ऑफर, शिपिंग, फीस, प्राइस और क्या चीज़ है, डेटाबेस में देख लेते हैं हम। मोबाइल के जरिए हमारा ये रहा लाइव मोबाइल, लाइव मोबाइल के अंदर ही आ जाते हैं अभी तो। लिस्टिंग फीस हम पूछेंगे, लिस्टिंग फीस इसमें लिखते हैं लिस्टिंग डिटेल्स सेक्शन स्टार्ट। इसमें से हम पूछेंगे लिस्टिंग फीस और मोबाइल की प्राइस क्या है, शिपिंग चार्ज क्या है और मोबाइल का स्टेट नहीं, मोबाइल स्टेटस नहीं, रिटर्न पॉलिसी क्या है, डिस्काउंट क्या है और ड्यूरेशन फॉर्मेट क्या है, ये हम पांच चीज़ उससे पूछेंगे। ये भी दोनों सभी प्रोडक्ट का सेम होगा इसलिए इसको भी कॉमन में डाल देते हैं। सत्रह मिनट का वीडियो हो गया। मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इस वीडियो को रोक कर जो ये पांच फील्ड बनाए हैं हमने उसको मैं बना लेता हूँ। जो हमारा लिस्टिंग डिटेल का सेक्शन था वो मैंने यहाँ पे बना दिया है, अभी तो मैंने इसको सिंपल बनाया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा डिज़ाइन करेंगे। ये इतना सा पेज है, पेज हमारा छोटा होगा लेकिन ये सेलेक्ट करेंगे तब ये पेज डिटेल पूछेगा। जो ये हमने शो करवाया ये बेसिक डिटेल है, जो इन एसेसरीज जितने भी पांच आइटम है सभी के अंदर कॉमन रहेगी, जो ये हमने शो करा रखी है। सेलेक्ट करने पे ये पेज जो और डिटेल होगी इसके बारे में, जैसे पावर बैंक सेलेक्ट किया है तो पावर बैंक की जितनी भी डिटेल होगी वो इसकी सेलेक्ट करने पे एक नया सेक्शन ओपन हो जाएगा, उसमें से हम फिर डिटेल भरेंगे। अभी तो मैंने सिंपल शो कराया, नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिज़ाइन करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में इस पर वैलिडेशन लगाएंगे। फिर जैसे जैसे वीडियो, जैसे जैसे इस पर काम पूरा होता जाएगा इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही।